नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। जाहिर है कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ अहम खबरें। इसके अलावा हमारे आज के दिव्य हिमाचल समाचार पत्र पर भी नजर डालेंगे। आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। शुरुआत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। यूक्रेन में रूसी सेना को लगातार झटके पर झटके मिल रहे हैं। अभी मॉस्कवा युद्धपोत की जल समाधि से रूस ठीक से उभरा भी नहीं था। खबर आ रही है कि यूक्रेन ने एक और रूसी युद्धपोत को निशाना बनाया हुआ है। यूक्रेनी सांसद ने दावा किया है कि रात के अंधेरे में यूक्रेन ने एक रूसी युद्धपोत पर हमला किया। अगली खबर की ओर बढ़ें तो अफगानिस्तान के तालिबान शासकों ने एक बार फिर तुगलकी फरमान जारी किया है। तालिबानी नेताओं की ओर से शनिवार को फरमान जारी किया गया है। सभी अफगान महिलाओं को सार्वजनिक रूप से सिर से पैर तक कपड़े पहनने का आदेश है। तालिबानी शासकों की ओर से ये भी कहा गया है कि जब तक जरूरी ना हो महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। राष्ट्र की खबरों की बात करें तो सबसे पहले आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के 30 साल से बिहार में विकास न होने वाले बयान पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा है कि इस बयान का कोई मतलब नहीं है, मुझे उसके ठिकाने का कोई जानकारी नहीं है और है कौन वो। अगली खबर की बात करें तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शनिवार को एक कार्यक्रम में अपनी प्राचीन संस्कृति को पुनर्जीवित करने और सनातन धर्म के सिद्धांतों को वापस लाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मूल संस्कृति के सनातन सिद्धांत शिक्षा के बगैर संभव नहीं है, इसलिए सभी को निरंतर ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। रुक करें राज्य की ओर तो प्रदेश में धर्मशाला विधानसभा के मुख्य द्वार और चार दीवारी पर खालिस्तान के झंडे लगे मिले। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। एसपी कांगड़ा खुशहाल शर्मा ने कहा कि हो सकता है ये घटना आज देर रात या सुबह हुई हो। हमने विधानसभा गेट में खालिस्तान के झंडे हटा दिए हैं, ये पंजाब के कुछ पर्यटकों की हरकत हो सकती है, हम आज केस दर्ज करने जा रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ें तो 4 सालों से फंसी जेबीटी भर्ती को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सशस्त्र मंजूरी दे दी है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने राज्य सरकार के इस आवेदन को स्वीकारते हुए कहा कि राज्य सरकार जेबीटी के पदों को एनसीटीआई की ओर से जारी 28 जून 2018 की अधिसूचना के अनुसार ही भरे। अगली खबर की ओर बढ़ें तो हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर के सांगला तहसील की बटसेरी गांव के अमित नेगी 27 वर्षीय के नाम पर और उपलब्धि जुड़ गई है। उन्होंने नेपाल और भारत के बीच स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा पर चढ़ाई करके कामयाबी हासिल की है। आइए अब नजर डालते हैं हमारे आज के दिव्य हिमाचल समाचार पत्र पर। हिमाचल सरकार ने चुनावी साल में लैंड सीलिंग एक्ट की बंदिश से टूरिज्म यूनिट्स को बाहर निकालने का फैसला लिया है। अगली खबर की बात करें तो शिक्षा विभाग में जेबीटी और सीएनवी कैडर में हुई अंतर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के मामले में राहत की बात यह है कि ऐसे मामलों में कॉन्ट्रैक्ट का पिछला कार्यकाल लैप्स नहीं होगा। रविवार को हमारे समाचार पत्र में खास पृष्ठ प्रतिबिंब का विशेष स्थान रहता है। आज इसमें डॉक्टर विजय कुमार पुरी का लेख कांगड़ा के सुप्रसिद्ध दिवंगत साहित्यकार छपा है। इसके अलावा निर्मल असो ने व्यंग्य की कोशिकाओं में जीवन भरते प्रभात कुमार के नाम से एक पुस्तक की समीक्षा की है। और भी बहुत कुछ रोचक इस पृष्ठ पर है, आप अवश्य पढ़ें। तो दर्शकों, आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे इस खास कार्यक्रम के साथ कल। तब तक बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।